आज का जो विषय जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम मंगल के बारे में बात करेंगे। कितने लोग होते हैं, कहती है ना बेचारे मेहनत करे जा रहे, जिस हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए वो कहीं ना कहीं आ नहीं पाता, चीजें होते होते रह जाती है। मैं कहती 99 पे चीजें अटक जाती है, रिश्तों में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कड़वाहट आ रही है। कहते हैं ना जो पुराने रिश्ते थे कहीं ना कहीं टूटते चले जा रहे हैं, वो शनि का भी काम है, वो मंगल का भी काम है। मंगल अगर किसी का बद होकर बैठ जाए कुंडली में, मैरिड लाइफ को कभी पनपने नहीं देता। मंगल अगर बद हो जाए तो कहीं ना कहीं खून से रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम देंगे, मतलब कहने का मतलब ब्लड रिलेटेड इश्यूज, एक्सीडेंट्स, इंजरीज, इमोशनल पेन, इसका काम ही यही है। तो दो उपाय बताऊंगी, ऐसे जबरदस्त बताऊंगी, अगर ये कर लिए, ये मेरा पक्का वादा है, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है। जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसे आप दोस्तों। वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग था बन जाए जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास चलो, एक चीज बताती हूँ, डिस्कस करने में बड़ा ही मजा आता है। जिनके मंगल पॉजिटिव होते हैं पाशा लोगों को पता है वो कैसे होते हैं, मतलब है ना, उनको उनका लक्ष्य पता होता है कि ये मेरा टारगेट है, उसको उस टारगेट को देख देख के कहते हैं ना अपनी चढ़ाई चढ़ते हैं। मैं कहती जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, जितनी मर्जी तूफान आ जाए, कुछ आ जाए, वो बस चढ़ना नहीं छोड़ते, और इस नेचर की वजह से वो अपना लक्ष्य कहीं ना कहीं प्राप्त करके रखते हैं। जिनके मंगल नेगेटिव हो जाए वो कमजोर हो जाते हैं, उनको कंपटीशन से, उनको वो कहती है ना, उनको पहले सोच कर एकदम ठुस हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। मंगल जिनके पॉजिटिव होते हैं ऐसे नहीं है कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन मंगल अच्छा वो उस सोल्जर के जैसे है जिसको पता है कि मुझे सिर्फ युद्ध में लड़के आना है और जीत के आना है। लेकिन मंगल जिनके नेगेटिव हो जाए वो पहली, वो कहते हैं ना युद्ध लड़ने से पहले हथियार छोड़ देंगे, है कि नहीं। तो कहती है ना हम इधर उधर भटकते रहते हैं, हम दुनिया को कोसते रहते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कमी है। आपने तो वो कहते हैं ना युद्ध लड़ने से पहले अपने अगर हथियार छोड़ दिए तो समझ जाओ मंगल एक ना एक दिन आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। मंगल जो चौथे घर का होता है ना, वो बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है, वो मंगल बद होकर बैठ जाता है चौथे घर में, जो कि समृद्ध परिवार की कहते हैं ना दौलत को आग लगाने का काम करता है। बारहवें घर का जो मंगल होता है वो मैरिड लाइफ के जो सुख, जो प्लेजर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो लेने नहीं देता, और ऐसे लोग कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी जाते हैं। बात खत्म होने का मतलब ये है, ये मैं मान गई, मैं तो हमेशा इस चीज को एक्सप्लेन किया है। मंगल राहु जो होता है वो कहते हैं ना कोर्ट कचहरी के मसले, हॉस्पिटलों के चक्कर, इसका काम ही है ये देना, मान गई। मंगल केतु कहते हैं ना दुनिया से तो धोखा मिलता ही मिलता है। मंगल राहु, मंगल केतु, मंगल शनि वाले जो लोग हैं, अगर एस्पेक्ट भी है थोड़ा ध्यान से चलना, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं कहते हैं ना कुछ चीजें ही इनबिल्ट ऐसी होती है कि उनको कहीं ना कहीं धोखे मिलते हैं। अब हम दुनिया को तो बदल नहीं सकते, हम अपने को चेंज कर सकते है ना, आंख बंद करके विश्वास किसी पे करो ही मत, ये हो सकता है। अब चलो खैर जो भी है उसका आज जो इलाज बताने जा रही हूं, है ना, आपको पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन कर दूं। लोग मंगलिक से डर जाते हैं, जो कि पहले घर, चौथे घर, सातवें घर, आठवें घर, बारहवें घर में जब मंगल बैठा होता है ना, उससे डर जाते हैं। ऐसे तो मंगल अगर लगन से नहीं देखोगे तो चंद्र, उससे चार्ट से देखोगे, चंद्र से नहीं तो नवमांश से देखोगे, मंगल मंगलिक होना प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कितनी बार लाइव में अपने को प्रूव किया है, जो मंगलिक नहीं भी थे उनके भी मैरिड रिलेटेड इश्यूज आए हैं, डिवोर्स तक बात पहुंची है। इसका जो रीजन होता है ये चीज समझ लो, जब प्लेनेट में पहला घर, छठा घर, दसवां घर अगर मिला हुआ है तीन प्लेनेट से ज्यादा, तो वो डिवोर्स तक बात पहुंचेगी। मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूं, मेरे को प्रॉब्लम मंगलिक से नहीं है, मेरे को ये पहले घर, छठे घर, दसवें घर के संबंध से दिक्कत है, क्योंकि ये कहते हैं ना कोर्ट तक बात पहुंचाएगी। अब इसका इलाज क्या है, जिन्होंने शादियां करनी है अगर उनका 1, 6, 10 के कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शादी करें, नहीं करें, बिल्कुल करें, लेकिन डिवोर्स तक बात कैसे पहुंचती है, क्योंकि अगर एक का पहला घर, छठा घर, दसवां घर तीन प्लेनेट में है तो जो उसका पार्टनर है उसके में भी यही कॉम्बिनेशन है।
तो ये हो गया नेले पे देला। और ये जो एक चीज है, कोई उपाय इस पे काम नहीं करेगा। मेरे को कोई झूठे दिलासे नहीं देने आपको, है ना, क्योंकि बीमार को ठीक किया जा सकता है, मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते आप। कहने का मतलब ये है ना। तो जो लड़कियां, जो माँ बाप भी हैं, बजाए 36 के 36, मैंने अपने को प्रूव किया लाइव सेशन में, जिनके 36 के 36 गुण मिले, 36 घंटे इकट्ठे नहीं रहे, उसको क्या बोलोगे? यहां पर मेरी जो स्टडी है वो चैलेंज कर जाती है। और भैया, अगर आपका जो बृहस्पत था इतना उचका था, तो बृहस्पत की दशा में बैंड कैसे बज गई? तो इन कॉम्बिनेशनों को कभी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते भैया, समझ रहे? अब हम क्या करेंगे? चलो खैर, जो है वो है। अगर हमारी 99 पे चीजें अटक जाती है, जिंदगी से स्ट्रगल पीछा खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो एक प्रोसीजर बताती हूँ। 43 डेज तक लगातार कर लो, 43 डेज तक लगातार कर लो। मैं कहती बुध का भी सपोर्ट मिलेगा, बुध बुद्धि कहती है ना, मंगल जब वो एक दिमाग जो हमारा जो वो कहते हैं ना, हमारे माइंड में जो स्मॉल ब्रेन है वो है एमिग्रेला, जो मंगल होता है वो एमिग्रेला को प्रभावित करता है, तभी एक बच्चा कहती है ना, उसका दिमाग, पता नहीं शाइना जी उसके दिमाग में इतना गुस्सा क्यों रहता है, पता नहीं शाइना जी उसको कुछ याद क्यों नहीं रहता, आप समझे? तो एमिग्रेला को है, तो उसको मंगल को भी ठीक करो, बुध को भी ठीक करो, ये दोनों का जब मेल होएगा तो बंदिश खुलेगी और बंदा सही डिसीजन लेकर अपने को, अपने अंदर वो बल रखकर एक हाई पोजीशन स्टैंडर्ड अपना सेट करेगा, एक लेवल सेट करेगा। सीधी बात है, क्या करोगे आपने, क्या करना है अपने सिराने मंडे रात से, ये 43 डेज की साइकिल है। अब जो लेडीज हैं उनका बीच में ब्रेक आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो मंदिर नहीं जा पाएंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं, उतना दिन गैप ले लेना और बाकी पूरा फिर 43 डेज तक इस वाले उपाय में कर लेना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब आपने क्या करना है, अपने सिराने ना आपने जल में गुड़ डाल के सोना है मंडे रात से, ठीक है। अब अगले दिन आपने क्या करना है, आपने ये जो जल होएगा वो पौधों को चढ़ा देना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है पानी के अंदर, कोई चिंता वाली बात नहीं, डाल दिया आपने। अब आप क्या करोगे, अब आपने नहाने जाना है, पहले आपने पानी देना है, नहाने के बाद नहीं देना, पहले आपने पानी देना है, उसके बाद आपने नहाने जाना है, नहाने के बाद आपने अपने आंखों में सफेद सुरमा लगाना है, सफेद सुरमा लगाना है, उसके बाद आप क्या करोगे, लाल कपड़ा, लाल रेशमी कपड़ा ले सकते हो, नॉर्मल कोई भी लाल कपड़ा ले सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं। उसके अंदर आपने जो सौंफ होती है, सौंफ आपने रख देनी है ना, 400 ग्राम सौंफ रख लो, ठीक है, लेकिन चलो जो 400 ग्राम अभी नहीं अफोर्ड कर सकते, जो आगे कर लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं, तो फिर आप अपने हिसाब से थोड़ी सी सौंफ रख दो, उसको गांठ लगा दो। अब अपने सामने बैठकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट स्वाहा, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट स्वाहा, इसका 108 बार जप करना है। अब क्या करोगे, ये जो पोटली है, नंगे पैर जाना है मंदिर में, घर से बिना चप्पल के जाओगे मंदिर, देख लो, ये नहीं कि मैं हम गाड़ी तक पहन जाए चप्पल, क्या हो गया, क्यों ऐसे चप्पलें घिसवाओगे अपने, तब नहीं बुरा लगेगा, वैसे चप्पल के बिना नहीं रह सकते, काहे को नहीं रह सकते, नंगे पैर जाओ ये पोटली लेकर हनुमान जी को, है ना, और ये आपने वहां पर चढ़ा देना है। अब जब आप चढ़ाओगे, उससे पहले अपने साथ में जो हनुमान जी का चोला नहीं होता, जो चमेली का तेल होता है और सिंदूर होता है, वो अगर जो लड़कियां करी है वो पंडित जी को बोल दे, पंडित जी मेरे हिसाब से चढ़ा दो, वहां पर भी जब वो चढ़ रहा होगा तो ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट स्वाहा, अपनी जो समस्या है अपने मन में रखकर के मैं इसके लिए कर रही हूं, बस मेरी सारा आपके ऊपर रखा है ना, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मुझे ये चीज समझ नहीं आती, मैं सिर्फ ये बोलती हूँ बस आप देख लो, है कि नहीं, उनको बोल देना बस आप देख लो, है कि नहीं, बस जब ये बोल दोगे बस हो गया काम, फिर मस्त मौला हो जाना, सीधी बात है ना। तो वो जब वो चढ़ा देंगे, फिर उसके बाद आपने ये जो पोटली है, जो सौंफ वाली है, वो आपने उधर रख के आना है। वैसे तो अगर रोज ये करते हो 43 डेज तक, तो बेहद चमत्कारी चीज है, बेहद चमत्कारी चीज है, रोज सिंदूर चढ़ाना है, रोज चमेली का तेल और उसके अंदर सिंदूर डाल के पंडित जी को बोल दो, बस उधर उनको चढ़ा दे, बस
जो लोग अब उसमें भी कमियां निकाले कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, हम 43 डेज तक नहीं कर सकते, भैया अब नहीं कर सकते तो फिर ठीक है ट्यूसडे ट्यूसडे करो। और मैं क्या बोलूं, वैसे तो अगर 43 डेज तक अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक और चीज आपको बता देती हूं, मंगल शनि टक्कर सबसे भयंकर, दुनिया भर के कितने भी मसले ले लो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पीछा नहीं छोड़ेगी, हॉस्पिटलों के चक्कर पीछा नहीं छोड़ेंगे, और ये मेरे से अच्छा सच्ची कोई नहीं बोल सकता। ऐसा आपको ऐसा अंदर से मार डालता है ना, मतलब वो इमोशनली ऐसा तोड़ता है, और सच कह रही हूं, और सच कह रही हूं। हालांकि मैं एक चीज मानती हूं, जब वो कहती है ना क्रैक्स आ जाते हैं, आपका हार्ट एकदम चूर चूर हो जाता है, एकदम टूट जाता है, उसके अंदर वो परमात्मा की वो जो हीलिंग वाली वाइट एनर्जी जाती है, वाइट एनर्जी जाती है, और आपको इतना ब्यूटीफुल सा बना देती है ना, आपको इतना स्ट्रांग, आपको इतना मेच्योर, आपको इतना इवॉल्व बना देती है, जिसकी कोई हद बात नहीं। मैं तो यही मानती हूँ, है ना। बट चलो खैर एनीवेज, लेकिन कुछ चीजें हैं, हम उतना एक्सट्रीम में ना जाए, क्योंकि बात सिर्फ आज की नहीं है, आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद के भी है कि नहीं। बताती हूँ क्या करना है, लोहे का कटोरा ले लो, उसके अंदर आपने शहद डाल देना है, उसके अंदर अपना मुंह देखना है, ये ट्यूसडे को करना है, ठीक है। 8 सुरमे की डली डाल देना, अपने सर से 7 बार घुमा दो, अपने सर से 7 बार घुमा दो, और रख दो, और रख दो, कुछ नहीं करना, अभी कहीं नहीं देना। अब इस चीज को अपने शनिवार को मंदिर में रख के आ जाना है, समझ आ गई। ट्यूसडे को अपने सारा काम करना है, मुंह भी देखना है, 8 सुरमे की डली डालनी है, अपने सर से 7 बार घुमाने और रख के आना है। कब? शनिवार को, रखना शनिवार को है, सब होएगा। ऐसी ऐसी चीजें है ना, ये स्टडी है ना, बहुत जबरदस्त है, बहुत एक्सप्लेन जब करने, आजकल कर ही रही हूं, कोई कमी नहीं छोड़ी है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो, सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।